हेलो गाइज, जाट मशीन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम बात कर रहे हैं मोटर जो है वो वाटर पंप वो बार बार पानी क्यों छोड़ रहा है, उसी के बारे में आज आपको हम बताएंगे कि अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है जो पानी छोड़ता है। तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा गाइज। तो आपको हम बताते हैं कि बार बार जब पानी छोड़ता है हमारा मोटर, वो प्रॉब्लम अक्सर जो होता है यहाँ पे होता है। आप देख लीजिए, जहाँ पे ये हमारा सेक्शन पाइप और मोटर का जो जॉइंट होता है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गैप रह जाएगा अंदर से, तो वो पानी जो है एयर लेने के कारण वो छोड़ता है, और बार बार, जिसके कारण आपको अच्छा से यहाँ पे बांधना है ट्यूब से। और चाहे आप साइकिल का या बाइक का कोई भी ट्यूब ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा से इसको टाइट करना है मिट्टी लगा करके, उसके बाद ही आपको पानी पकड़ाना है। और जब भी आप इसके अंदर बोरिंग के अंदर, जी ये बोरिंग जो है इसके अंदर आप पाइप डाले, सेक्शन पाइप डाले, तो आप देख ले कि आपका जो चेक वाल्व होता है जो कि पानी को कंट्रोल में रखता है, इसके अंदर में जो चेक वाल्व लगता है वहाँ पर भी आपको अच्छा तरह से चेक कर लेना है, कहीं वो चेक बॉल तो कहीं फॉल्ट नहीं है, कहीं वो पानी लीकेज तो नहीं कर रहा है चेक बॉल में, जिसके कारण वो भी पानी पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। जो कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो यहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, जिसके अंदर यहाँ पे पानी अगर आप डालेंगे भी थोड़ा सा लाइट जाएगा तो भी आपका पानी धीरे 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 करके नीचे चला जाता है, जिस कारण वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सब आप पहले उसको वहाँ पे नीचे में भी अच्छा तरह से देख लीजिए, कहीं हमारा चेक वाल्व फॉल्ट तो नहीं है, जिस कारण पानी पकड़ने में प्रॉब्लम करता है। तो मेन ये दो प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप मोटर चालू करें तो यहाँ तक आप पानी ज़रूर डालें। अगर यहाँ तक पानी आप नहीं डालेंगे तो फिर आपका पानी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम करता है, जिस कारण हमारा वो वहाँ यहाँ से लोड नहीं ले पाता है और पानी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम करता है गाइज। तो गाइज, हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप देख लीजिए, हमारा मोटर अभी ये चालू कंडीशन में है और पानी भी अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी लाइट जाएगा तो ये पानी अभी छोड़ देगा, क्योंकि अभी सक्शन पाइप में जो अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, जो जिस कारण हमारा ये पानी अभी इसमें रुक नहीं पाता है, और थोड़ा सा भी लाइट जाता है एक या दो मिनट तो पानी अंदर चल जाता है। जलने का कारण यही है कि जहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है वहाँ पे वो थोड़ा सा लीकेज हो गया, जिस कारण अभी ये प्रॉब्लम बार बार ऐसा हो रहा है। तो आप भी ऐसे करके आप अपने चेक वाल्व को अच्छा से ठीक करके उसको पानी जो बार बार अंदर जा रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कितना अच्छा कंडीशन में हमारा यह मोटर अभी चल रहा है। तो आपके मन में कोई भी सवाल होगा हम मोटर संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा गाइज, हम ज़रूर बताएंगे आपको सवाल। ये देख लीजिए कितना अच्छा तरीके से अभी चल रहा है ये। और यहाँ पे भी आपको अच्छे तरह से टाइट करना है ताकि पानी वेस्टेज ना हो। और लाइट जब भी लगाए तो सावधानी पूर्वक लाइट लगाए ताकि सेहत अच्छा रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख लीजिए। तो धन्यवाद गाइज, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।